हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्यारहवें दिन भी रेस्क्यू है जारी। सोजत रोड के निकटवर्ती बोरनडी बेरा समदड़ा कुएं में मलबे में दबे नरेंद्र के शव को निकालने के लिए ग्यारहवें दिन भी रेस्क्यू जारी है। आर्मी के मेजर मनीष के नेतृत्व में DYSP सोजत डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के सुपरविजन में ग्यारहवें दिन भी रेस्क्यू जारी है। कुएं में से करीब 24 फीट मलबा बाहर निकाला गया है और कितना मलबा कुएं में है इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र का शव 10 फीट मलबे के नीचे हो सकता है। कुएं पर करीब 11 लेबर व सेना के जवान काम कर रहे हैं। देसी जुगाड़ से निकाल रहे हैं कुएं में से मलबा बाहर। आज पांचवी बार मौके का जायजा लेने पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने सेना के मेजर मनीष से रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली। मौके पर मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार रामलाल मीणा, मारवाड़ जंक्शन विकास अधिकारी किशन सिंह, बगड़ी थाना अधिकारी बाबूलाल जांगिड़, सोजत रोड थाना अधिकारी अनिल कुमार, सेना के 27 जवान RSC व पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद है। आज रात या कल सुबह तक नरेंद्र के शव को कुएं में से बाहर निकाला जा सकता है। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप, पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू का जायजा लिया गया था। वहीं इन अधिकारियों द्वारा सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ से रेस्क्यू की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जागरूक TV के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।